सो जय हिंद दोस्तों, आज की अपडेट निकली है CSIR द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की तरफ से। अब क्या प्रोफाइल है, कैसे अप्लाई करना है, बहुत ऑसम आपका सैलरी पैकेज होने वाला है और यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड्स के अंदर जॉब निकली है, मतलब नंबर ऑफ प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें इट इज़ मोर देन 79। अभी सारी डिटेल डिस्कशन इसी वीडियो में करने वाले हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन दी स्टार्टिंग भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास करी है और अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, मेजरली सभी ब्रांचेस यहां पे अप्लाई कर सकती हैं जितनी भी पॉपुलर ब्रांचेस हैं, तो यस यू कैन स्टे हेयर। मतलब आप पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ITI कंप्लीट नहीं करी है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, बस नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वालिफिकेशन जरूर बताइएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग आए। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वन बाय वन आपको सारी चीजें मैं क्लियर करता हुआ चलता हूं। इन दी स्टार्टिंग यहां पे बताया गया है कि टेक्नीशियन आपकी डेजिनेशन रहेगी। अगर बात करें पोस्ट की 79 पोस्ट निकली है, जनरल कैंडिडेट के लिए 32 है, आपकी EWS के लिए 8 पोस्ट है, OBC के लिए 21 पोस्ट है और आपकी SC ST के लिए 12 और 6 पोस्ट है। तो इस तरीके से सभी पोस्ट का डिविजन किया गया है। देन आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा, जहां पे 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी होती है, डिपेंड करता है आपके प्रमोशन पे, आपकी लोकेशन पे। बेसिक पे की बात करें तो 19,900 है और जो आपको टोटल इनहेंड सैलरी आ जाएगी इट इज अराउंड 34,000 to 33,000 रुपीज। तो एज अ फ्रेश ईयर 10 प्लस ITI अगर आप 33,000 रुपए कमा रहे हैं तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी अर्निंग है। तो यहां पे बात करें आपकी एज लिमिट की, इट इज 28 ईयर्स, पर डोंट वरी, जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC कैंडिडेट को वो भी डेफिनेटली आपको यहां मिलने वाला है। आगे अगर हम नोटिफिकेशन में चलते हैं तो यहां पे आपकी ट्रेड और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली बताया गया है कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे आपके लिए निकली है। तो यहां पे पहली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है और देन यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट 17 निकली है, जहां पे क्वालिफिकेशन अगेन 10 प्लस ITI और ITI इज क्वाइट सिंपल यार। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जॉब निकली है तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि उनके पास शायद सर्टिफिकेट ना हो पर उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो अगेन आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रिकल निकली है, टोटल नंबर पोस्ट 17 है। देन आपके इंस्ट्रूमेशन निकली है, 11 पोस्ट निकली है। यहां पे कंप्यूटर भी निकली है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कंप्यूटर से आजकल करना पसंद करते हैं तो 11 पोस्ट इनके लिए भी निकली है। देन आपकी यहां पे फिटर की निकली है, आपकी ड्राफ्टमैन की निकली है, आपकी वेल्डिंग की निकली है, आपकी मैकेनिक्स की निकली है। तो यू नो वेरी वेल, देखो कितनी सारी नंबर ऑफ प्रोफाइल पे जॉब निकली है। तो अगर ITI करिए तो डेफिनेटली अप्लाई करें। आई नो आपके मन में 2-3 क्वेश्चन और आ रहे होंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है। डोंट वरी, वीडियो की थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी पर सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। उसके बाद आपकी यहाँ पे ड्राफ्टमैन की, टूल एंड डाई मेकर की निकली है, डीजल मैकेनिक की आपकी निकली है, ट्यूनर की आपकी निकली है, आपकी शीट मेटलिंग में निकली है, आपकी यहाँ पे ग्लास ब्लोवर के अंदर भी निकली है और साथ में आपकी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के अंदर भी यहाँ पे एक पोस्ट निकली है। अगर आप यहाँ पे अपनी ITI कंप्लीट करिए, यस यू कैन अप्लाई। अब आपके मन में आएगा यार अप्लाई कर रहा हूं तो कैसे करना है, एप्लीकेशन आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और यस, एप्लीकेशन फीस यहां पे जस्ट 100 रुपीज रखी गई है। अगर आप ओबीसी SC ST कैंडिडेट है तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होने वाली है। अब यहां पे जॉब अप्लाई करने से जॉब थोड़ी मिलती है, जॉब तो आपको मिलती है सिलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट करने पे। तो यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इस तरीके से रखा गया है कि यहां पे आपका रहेगा एग्जाम, आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और आपका एग्जाम भी होगा, और एग्जाम में जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आपका एक सिंगल एग्जाम ही होगा जो कि MCQ बेस होगा, पर इस पर्टिकुलर सिंगल एग्जाम के अंदर 3 स्टेज हैं, मतलब 3 डिफरेंट टाइप के आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब क्या है, किस तरीके से, वो भी मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। आप पेज नंबर 11 पे देख भी सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये आपका OMR बेस भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस भी हो सकता है। टोटली यहाँ पे आपसे 150 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जो 2.5 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा और का जो लेवल है वो 10 प्लस ITI या 12th लेवल का होगा, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं होने वाले, तो आपको अपनी प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है। तो यहां पे आपका जो पहला स्टेज रहेगा, तो जहां पे आपका सब्जेक्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपसे 50 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, 100 नंबर्स आपको यहां पे मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम आप 100 नंबर्स में स्कोर कर सकते हो और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बिंदास यहां पे सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। जो आपका स्टेज सेकंड रहेगा, यहां पे आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 25
25-25 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 75 ईच सब्जेक्ट होने वाला है, मतलब 75 प्लस 75 150 नंबर का। और यस यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो मेक श्योर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आपसे छोड़ सकते हैं। देन आपका लास्ट रहेगा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, आपसे 50 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, 150 नंबर आपको वहाँ पे मिलेंगे और यस यहाँ पे अगेन आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक आइडिया लग गया है कि आपका एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस और एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, डोंट वरी, वी आर हेयर। बस नीचे कमेंट सेक्शन पे हमसे कनेक्ट जरूर होना, आप कनेक्ट होकर अपने डाउट पूछोगे, हम आंसर आपको कर देंगे। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2022 रखी गई है, तो मेक श्योर उसे जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।